हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, मैं अभी नहा धो के आ गई। अभी मैंने पूजा नहीं की है, अभी करने जा रहे हैं अभी, क्योंकि ज्ञानवी को तैयार करने लगे थे। तो आज हम और ज्ञानवी कहीं जा रहे हैं, तो आपको ज़रूर दिखाएंगे हो पाएगा तो अभी देखिए, बेडशीट भी मैंने नहीं बिछाई क्योंकि तो हे गाइस, मैं आज गई थी दीदी के यहाँ पे, कुछ मुझे काम था, बहुत ही अर्जेंट काम था, इसलिए मैं गई थी मैं और ज्ञान भी। तो ये देखिए, दीदी मेरी लहंगा बना रही थी अपना, तो कुछ मिस्टेक हो गई थी इसमें, तो मैंने देखा तो उसको मैंने सही कर दिया था। वो थोड़ा सा सिलाई रह गया था इसमें, तो दीदी बोली लाओ मैं सिल लेती हूँ, तुम मेहंदी रखवा लो। तो मैं ये मेहंदी रखवाने लगी थी। ये मेरी भैया की लड़की है, भतीजी मेरी, सगी भतीजी है, तो वो भी वहीं रहते हैं, तो वही रखने लगी थी। तो मैंने कहा लाओ ये भी काम निपट जाएगा, यहाँ पे आए हैं तो मेरे दोनों हाथों पे मेहंदी इसने रख दी थी। मैं दोनों हाथों की तो कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि जो एक हाथ की रख रही थी तो वो मेरी बहन की बेटी थी गौरी, तो उसने थोड़ा सा सूट कर लिया था उसको। और बाद बाकी मैंने जब मेरे दोनों हाथों पे मेहंदी रखी थी तो मैं इसको सूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि दोनों हाथ मेरे ये मेहंदी से थे। तो इस चक्कर में तो मेहंदी की डिज़ाइन कैसी लगी तो आप लोग भी बताइएगा ज़रूर। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मिलते हैं। गाइस, तो अब मैं जा रही हूँ अपने घर पे। तो आज मैंने सोचा लाओ थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ अपने शहर का, तो आप लोग भी बताइएगा मेरा शहर कैसा लगा। क्योंकि नाइट हो गई थी तो मैंने कहा थोड़ा सा बना लेती हूँ, 7:30 का टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं है। और मैं थोड़ा लेट हो गई थी वहाँ से आने में, क्योंकि दीदी मार्केट गई थी, जब वो आई उसी के बाद ही मैं आ पाई, और थोड़ा ऑटो भी मुझे थोड़ा लेट मिल पाया था। तो आज का ब्लॉग गाइस आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट में, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।